इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। बस बहुत हो गया सब। अब इस नाटक से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है गुड्डन। पर ये क्या है जिंदल साहब? ये एक जाल है अंगद के साथी को रंगे हाथों पकड़ने का। डियर अंगद, तुमने अक्षत जिंदल के साथ जो भी किया है मुझे सब पता है। अपनी खैर चाहते हो तो जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। फैसले की घड़ी आ गई है अंगद, अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। क्या है ये दुर्गा जी? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। इतना कड़वा क्यों लग रहा है? लग रहा है किसी ने इसमें शराब मिल। जिंदे साहब हमें है ना अंगद जी को बस शराब पी, उसके बाद वो खुद ब खुद अपने आप अपने मुंह से अपने सभी साथियों के नाम बोल रहे। मुझे गुड्डन से शादी करनी है ना तो भाई को मारना होगा। बहुत नाच लिया दुर्गा जी के इशारों पर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। सबसे पहले वो लड़का लड़की की पहली मुलाकात, फिर दोनों में बातचीत और थोड़ी सी जान पहचान और फिर हो गई दोनों की शादी। और शादी के बाद दोनों के परिवार वाले आ गए। हमारे केस में तो सब उल्टा पुल्टा हुआ है ना। अब है ना आप इस ड्राइंग को देखकर बताइए ना कि हमारी समस्या का क्या समाधान है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत जान पहचान यानी कि दोस्ती से होती है। चलिए फिर मिलाइए हाथ, अब से हम दोस्त। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। ये गुड्डन है मेरे लल्ला की पत्नी और इन तीनों की सास। तुम्हें सही आरती करने तक नहीं आती, ये कैसी सास है इस घर की? क्या गुड्डन से बुआ जी के सामने सास की जिम्मेदारी सही से निभाना हो पाएगा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। तो ऐसे संभालती आप इस घर को अपनी बहू से दोस्ती करके? और तो और अपनी बहू से झूठा नाटक करवाया हमारे सामने। बुआ जी सख्ती से अनुशासन तो आ जाएगा पर रिश्तों से सम्मान और प्यार दूर हो जाए। और दोस्ती तो रिश्तों की पहली सीढ़ी है ना बुआ जी। तो साबित करके बता हमें तेरा तरीका सही है और हमारा तरीका गलत। चुप, अब तो ये फैसला हो ही जाना चाहिए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। दो टीम होगी, एक तेरी टीम और एक हमारी टीम। एक टीम 250 बच्चों के लिए अमरस बनाएगी और 250 बच्चों के लिए दूसरी टीम अमरस बनाएगी। हमारे बीच के मतभेद को ये बच्चों के नेक काम के बीच में मत लेकर आए। अरे तू ही तो साबित करना चाहती थी ना। बुआ जी बिल्कुल सही कह रही है गुड्डन, नेक काम करते करते तुम्हें अगर अपनी बात साबित करने का मौका मिलता है उसमें गलत क्या है? तो चलो देखते हैं इस शर्त में कौन जीतता है, गुड्डन का नया दोस्ती वाला तरीका या हमारा सालों पुराना सख्ती वाला तरीका। बड़ी तेजी से आम छीलना और काटना तो हो पाया तुमसे गुड्डन, पर अब इस खराब मिक्सर में मैंगो शेक बनाना कैसे हो पाएगा तुमसे? एजे के हाथों से आम खाना बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अपनी कब्र खोदने का एक ना एक मौका तो दे ही देती हो तुम। हे कना, मेरे गुड्डन का साथ बनाए रखना। लक्ष्मी जी सब अच्छा होगा। पता नहीं लगता है कुछ गड़बड़ है मिक्सर में। सासुमा क्या होगा, कैसे बनेगा मैंगो शेक? यही होता है जब कोई सख्ती से काम नहीं करता।
अरे दोस्ती का काम तो ऐसा ही होता है, आधा अधूरा। हमने दुर्गा बहू को सख्ती से बताया था, मिक्सर को अच्छे से जांच ले, और देखो सख्ती के साथ ऐसी गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती, और इसी कारण दुर्गा बहू का मिक्सर अच्छी तरह से चल रहा है। और अब हमारी टीम का काम सही समय पे पूरा हो पाएगा। बेटा अब क्या होगा? बुआ जी, जब दुर्गा जी 250 बच्चों के लिए मैंगो शेक बना लेंगी, उसके बाद हमें बाकी के 250 बच्चों के लिए बनाने दे दीजिएगा। प्लीज, हम विनती करते हैं आपसे, हम नहीं चाहते कि हमारी शर्त की वजह से उन बच्चों का नुकसान हो, और जिंदल साहब का मान सम्मान भी जुड़ा हुआ है इससे। इसका मतलब तू मानती है हमारा तरीका सही और तेरा तरीका गलत है? अगर तू इस बात के लिए तैयार है तो हम हमारा मिक्सर तुझे इस्तेमाल करने दे देंगे, वरना नहीं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। लक्ष्मी बहू के पैर में ना कांच का टुकड़ा चुभ गया, और अब वो बुआ जी का जो डांस कॉम्पिटिशन है उसमें नाच नहीं पाएंगे, तो ये नाचना पड़ेगा, और वो भी दुर्गा जी के सामने, और मैं पता है कि इस बार तो हमसे बिल्कुल। ये हरगिज मत कहना कि तुमसे ना हो पाएगा, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी मदद करेगा। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। अगर बहू का रिश्ता खत्म भी हो जाता है तब भी हम आपकी बेटी कहलाएंगे ना। एक माँ के हक से हमसे मिल लीजिए, हम आपसे कुछ पूछना भी चाहते हैं। आप हमसे मिलने आएंगी ना अम्मी? हमारी अम्मी तुमसे मिलने नहीं आएगी। पर बार बार इस घर में फोन करके इस घर का सुकून बर्बाद करना बंद करो जरा। अम्मी ने हमें बेटी माना है, और उस हक से हमें उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। शाना, शाना सुना, वो रिया के फादर का नाम पता है तुझे? रिया के फादर का नाम याद है ना? उनका नाम प्राची आएगी, मैं पूछ लूंगी। मिस्टर मेरा यूटर्न लेंगे, यूटर्न लेके राइट आएगा, और राइट लेकर आ जाएगा आपका मेरा मेंशन। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे रोने की जरूरत क्या है? तुम नहीं समझोगे। छोड़ दीजिए, मैंने जाने दीजिए। पति तो रहा नहीं, उसके हिस्से का प्यार मुझे दे दो। बड़े खुद गर्ज हैं आप त्रिपाठी जी, पर मैंने भी आपकी बात का पूरा मान रखा। भाई और बहन दोनों की शादी एक साथ करवा दी। चाचू नौटंकी खत्म, आ जाइए। तुम्हारे पास बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। कल्याणी है कहाँ? पापा वैसे नहीं कर सकते। पापा, पापा बस बहुत हो गया, अब हम और वेट नहीं कर सकते। तो अब कोर्ट तुम्हें अपने बच्चे की कस्टडी सौंपेगा, और वहाँ मल्हार राणे अपनी अर्धांगनी कल्याणी राणे को ढूंढते रह जाएंगे। मैंने अपना फैसला ले लिया है। क्या है आपका फैसला अस्मिता? क्या होगा अस्मिता का फैसला? क्या वो अपने दिल पर काबू कर और शांतनु को दिए हुए वादे को निभा पाएगी या नहीं? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां।
सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। माँ तेरी, हम अपनी बेटी का प्यार खोते हुए नहीं देख सकते। मतलब क्या है तुम्हारा दी? मैं क्यों ना करूँ शादी? मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही कह रही हूँ। मेरी शादी 2 दिन में करने का भूत क्यों सवार है आपको? और वैसे भी मुझे किसी से प्यार हो गया। कौन है वो? तो जा कर ले शादी। मैं आपसे प्यार करता हूँ पहली मुलाकात से। क्या आप मुझसे शादी करेंगे?